मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दुमका की आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद मुस्लिम युवक की ओर से हत्या करने का मामला सामने आने पर बीजेपी के नेताओं ने विरोध करते हुए हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया है, क्योंकि ये बच्ची ने यहाँ जो पूछे परिवार के लोगों से उसमें से ये पता चला तो उसके घर के बारे में उन लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो घर के लोग भी नहीं पसंद करते थे। और हमको लगता है शारीरिक शोषण तब तक करते रहे जब तक उनको ये पता नहीं था कि बच्ची प्रेगनेंट हो गई। जब बच्ची प्रेगनेंट हो गई तो इसके बाद उनको रास्ते से हटाने के उन्होंने षड्यंत्र बनाया, मार कर फिर उनको फांसी पर लटका और फांसी पर लटका दिया। हम लोग की बात तो छोड़ दीजिए, गांव के लोग भी खुद कह रहे हैं कि जिस प्रकार से फांसी पर उसको लटका है, जो फांसी पर सामान्य व्यक्ति जो लटकता है इस प्रकार से, तो जीभ वगैरह बाकी सब कुछ निकल जाता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं। हम लोग तो अपने गांव के लोग भी ये छोटी और सामान्य बातें लोग समझते हैं, और गाँव के लोगों ने कहा कि भाई फांसी पर उनको मार करके उसको फिर लटकाए, बहुत ही बड़ा जिसको कहते हैं जघन्य अपराध जिसको कहते हैं, और उससे अधिक अपराध तो पुलिस प्रशासन कर रही है। यहाँ के भी दरोगा के बारे में लोग बताए, गांव के लोगों ने बताया कि वो लोग फर्क जाम किए थे। लोगों की इतना ही मांग थी कि पहले मुआवजा, उनके जो छोटे छोटे और तीन बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के पहले सरकार गारंटी ले, और उनको फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके तुरंत उसको सजा दिलाओ। हमको किसी का फोन गया था कि दिघी ओपी थाना में एक डेड बॉडी रखा हुआ है जो एक आदिवासी नाबालिग लड़की का है, और वो जब हम इधर उधर से पता किया आखिर क्या है और कौन है, तो रामेश्वर प्रखंड का जो रहने वाली है इस तरह से हमें सूचना मिला। तो अभी हम इसीलिए दिघी ओपी आए हैं, और यहाँ जो पुलिस प्रशासन है उन लोगों से अभी हम बात किए हैं। यहाँ पर वो बच्ची के जो है माँ और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी हम जानकारी लिए, तो जानकारी में यही मिला है कि वो लड़की छोटी उम्र की थी। ये लोग तो नाबालिग नहीं जानते हैं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि बच्ची छोटी उम्र की थी और काम धाम के लिए इधर कहीं रहती थी या बीच बीच में आती थी और जाती थी, इस तरह का विषय आया था। तो लेकिन कल अचानक उनकी जो मौत हो गई है, हत्या हो गई, उसका सूचना उन लोगों को शायद रात में पता चला है या पता नहीं कब चला, लेकिन हमें सुबह पता चला है। यहाँ जब आए तो यहाँ पता चला कि उनका पोस्टमार्टम कल ही हो गया है, इसका मतलब ये परसों की घटना होगी, परसों रात की घटना होगी, ये तो प्रशासन विशेष रूप से बता सकेंगे। हमें तो लग रहा था पोस्टमार्टम आज होगा, लेकिन पोस्टमार्टम हो चुका है। तो इस मामले में हम इतना ही कहेंगे इस जिला पुलिस प्रशासन से कि इस तरह का जो घटना है लगातार वृद्धि हो रहा है। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।